दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के समय में प्रयोग हुआ ऐसी 10 अस्त्रों के बारे में जो आज की एटम बम या हाइड्रोजन बम से भी ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारी इस सूची की शुरुआत होता है 22वीं शक्ति अस्त्र से। ये अस्त्र इंद्र का है। महाभारत के युद्ध के समय इंद्र ने ये अस्त्र कर्ण को दिया था, लेकिन सिर्फ एक बार, अर्जुन के ऊपर प्रयोग करने के लिए, क्योंकि अर्जुन के पास भी इस अस्त्र का कोई भी प्रतिरोध नहीं थे। लेकिन युद्ध के एक मोड़ पे कर्ण मजबूर हुए थे ये अस्त्र भीम के पुत्र घटोत्कच के ऊपर प्रयोग करने के लिए। इससे घटोत्कच की जान तो चली गई, लेकिन ये अस्त्र कर्ण के पास से भी चला गया था। 22वीं शक्ति की तरह वज्र भी देवताओं के राजा इंद्र का ही अस्त्र है, और ये इंद्र का सबसे शक्तिशाली अस्त्र भी है। वज्र को बनाया गया था ऋषि दधीचि की रीढ़ की हड्डी से, और देवराज इंद्र ने इस अस्त्र का प्रयोग किया था वित्र नाम की एक राक्षस को वध करने के लिए। नारायण अस्त्र प्रभु नारायण का अस्त्र है, जो आज की करोड़ों मिसाइल से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर ये अस्त्र किसी के ऊपर प्रयोग किया तो उसकी मौत तो निश्चित है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है इस अस्त्र के आगे आत्मसमर्पण करना। महाभारत में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण, आचार्य द्रोण और उसके पुत्र अश्वत्थामा के पास थी। जब अश्वत्थामा ये अस्त्र पांडवों के ऊपर प्रयोग किया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने सबको आत्मसमर्पण करने की आदेश दी थी, और इस बाण से सबको बचा भी लिया था। देवी सिद्धिदात्री ने ये 3 बाण बारबारिका को वरदान स्वरूप दिया था। ये कहा जाता है कि अगर बारबारिका महाभारत के युद्ध में शामिल होते तो वो सिर्फ 30 सेकंड में ही युद्ध को ख़त्म कर देती इस 3 बाण से। इस 3 बाण का पहला बाण लक्ष्य को निश्चित करता है, दूसरा बाण अपने पक्ष की योद्धाओं को बचाती है, और तीसरा बाण बाकी सब कुछ को ही विनाश कर देती है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की अस्त्र है ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र बहुत कम योद्धा के पास थी। इस अस्त्र को प्रयोग करने से ब्रह्मा की एक सिर प्रकट होती है और सारी सृष्टि को ही विनाश कर देती है। इसीलिए ये अस्त्र प्रयोग करने की आदेश नहीं थी। महाभारत के युद्ध में ये कर्ण ये बाण अर्जुन के ऊपर प्रयोग करने वाली थी, लेकिन अपने गुरु परशुराम की श्राप की वजह से वह ये ब्रह्मास्त्र प्रयोग नहीं कर पाई थी। ब्रह्मास्त्र के तरह ब्रह्मशिरा अस्त्र भी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का अस्त्र है, और इसके प्रयोग से ब्रह्मा की चारों सिर प्रकट होती है, और इसीलिए ये ब्रह्मास्त्र से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। और ये अस्त्र भी चलाने की कोई आदेश नहीं थी। महाभारत में अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ये अस्त्र का प्रयोग किया था, लेकिन देवर्षि नारद और ऋषि व्यास की आदेश के कारण अर्जुन ये अस्त्र वापस ली थी। पर अश्वत्थामा इस अस्त्र को वापस लेना नहीं जानते थे, इसीलिए वो ये अस्त्र अर्जुन के अजन्मा पोता परीक्षित के ऊपर चला दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको बचाया भी था। पशुपत अस्त्र भगवान शिव के प्रलयकारी एक बाण है, जो किसी भी सृष्टि का विनाश कर सकता है, और इसीलिए ये बाण भी चलाने की आदेश किसी के पास नहीं थी। भगवान शिव ने ये अस्त्र अर्जुन को वरदान में दिया था, लेकिन अर्जुन ने भी इस अस्त्र का प्रयोग कभी भी कहीं भी नहीं की थी। ब्रह्मदंड ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की एक कवच है। ब्रह्मदंड एक ऐसा शक्तिशाली कवच है कि इससे ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरा जैसी शक्तिशाली अस्त्र का भी सामना करा जा सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। जब ऋषि विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ के ऊपर ब्रह्मास्त्र प्रयोग किए थे, तब ऋषि वशिष्ठ ने ब्रह्मदंड का प्रयोग किया था। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का और त्रिशूल भगवान शिव का मुख्य और सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। सुदर्शन चक्र महाभारत में भगवान श्री कृष्ण और रामायण में भगवान श्री राम के पास थे, वही त्रिशूल माँ दुर्गा के पास भी है। ये दोनों अस्त्र का समता बराबर की है, और इस पूरी संसार में किसी भी अस्त्र इन दोनों अस्त्रों का सामना नहीं कर सकता है, और यही सबसे शक्तिशाली अस्त्र भी है। वैसे तो त्रिशूल और सुदर्शन चक्र ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, लेकिन अपने बुद्धि से ज़्यादा शक्तिशाली कोई चीज़ नहीं है इस पूरी संसार में, और ये बात भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है श्रीमद् भगवत गीता में।
तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का प्रतिवेदन। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।